ये बस इतना बताती थी कि भूत है। संजू बताती थी जब उसके घर पे गए, जब जाके पता चला कि सलीम है। हिंदू के नाम डाल करके इससे बात कर रहा था, मुसलमान कह के इससे बात नहीं कर रहा। जिसे उसने प्यार में भूत का नाम दिया, जिसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, वो भूत ही उसकी जान का दुश्मन बन बैठा। 19 साल की सोनिया अपने इस प्यार को पाने की राह पर निकली तो थी, लेकिन वो वापसी का रास्ता कभी नहीं देख सकी। उसकी दुनिया उस वादे में बंधी थी जो उसने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था, आई लव भूत। लेकिन इस इजहार के बदले मिली उसे खौफनाक मौत। आज हम आपको बताएंगे कैसे सोनिया के प्यार का अंत सलीम उर्फ संजू के धोखे में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया पर सोनिया काफी एक्टिव थी, उसके 6000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जिनके सामने वो अपने और संजू के रिश्ते की झलकियां शेयर करती रहती थी। अपने इंस्टाग्राम पर उसने लिखा था, आई लव भूत, और इसी अजीब से नाम में छुपा था उसका प्यार। सोनिया ने अपने परिवार से संजू की पहचान छुपाई थी। जब घर वाले पूछते कि कौन है ये बंदा, तो वो मजाक में कहती, भूत से बात कर रही हूँ। ये बस इतना बताती थी कि भूत है, हरियाणा का रहने वाला, और ये इसके साथ नाम, उस लड़के का नाम नहीं बताती थी। नहीं, लड़के का नाम नहीं बताती थी। फिर क्या हुआ? बाद में पता चला है कि लड़के का नाम संजू है। संजू? हाँ। संजू सलीम या फिर सिर्फ संजू? संजू बताती थी जब उसके घर पे गए, जब जाके पता चला कि सलीम है, इसको बेदखल कर रखा है। सोनिया और सलीम का रिश्ता इंस्टाग्राम पर तो खुला था, पर असलियत में इसके पीछे छुपा था एक धोखा। सोनिया को कभी अंदाजा भी नहीं था कि ये भूत उसका खून कर देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोनिया, जो कि 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, अब इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती थी। उसने सलीम उर्फ संजू पर शादी का दबाव बनाया ताकि उसके बच्चे को समाज में मान्यता मिले। लेकिन सलीम का इरादा कुछ और ही था। वो बच्चा नहीं चाहता था, शादी के लिए भी तैयार नहीं था। इस वजह से दोनों के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। करवा चौथ के दिन सुबह सुबह 5 बजे सोनिया अपने घर से ये सोचकर निकली कि वो अब अपने भूत के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर चुकी है। वो अपने घर से अपना सारा सामान लेकर चली गई, मानो ये उसके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा हो। लेकिन किसे पता था कि जिसका व्रत उसने रखा था, वो उसकी मौत का कारण बनेगा। हम तो सो रहे थे, वो रात आ रात ही निकल गए रात के। कब कब ये कब की घटना है? 21 तारीख को। फिर आपको कब पता चला कि वो घर में नहीं है? हमको सुबह 5 बजे पता चला। फिर आपने क्या किया? हम के थाना गए थे 10-11 बजे। थाना गए तो मेरे लड़की से बात नहीं हो रहे थे, तो थाना गए तो मैं बोला जो लड़की से बात नहीं हो रहे थे, थाना वाला बोला वो अपनी लड़की भागा। कितनी साल की लड़की था? तो हम कहे 21-22 साल की लड़की है। तो बोला 21-22 साल लड़की के कोई कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों अपना मियां बीवी बन के गया होगा, आजकल के लड़की ऐसे कर रहे हैं। लड़की ने शादी किया था उस सलीम से? नहीं किया था। सलीम क्या नाम है? संजू नाम था या सलीम नाम था? भूत कह करके बात करते थे। जब लड़की चले गए ना, तब हम उसके घर पर कोई बताया जो उसके घर यही है। तो आपने घर उसका घर गया था? हाँ, उसके घर गए। क्या दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करता है क्या? वो हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू नहीं है। वो भूत कह करके हरियाणा से बात कर रहा था, हिंदू कह करके। अच्छा, वो लड़का? हाँ, हिंदू के नाम डाल करके इससे बात कर रहा था, मुसलमान कह के इससे बात नहीं कर रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हो गया, वो लड़की को ले गया है, मार डाला है। मार डाला है? मार डाला है। अभी आपकी लड़की कहाँ है? उसका बॉडी कहाँ है, कुछ पता है आपको? उतवा हरियाणा में गाड़ दिया था लड़की। सलीम के, संजू के बारे में कुछ बताइए, आपकी लड़की उससे कब से बात कर रही थी, कैसे आप वो लड़की उसके टच में आई? 6-7 महीने 8 महीने से तो वो बात कर ही रहे होंगे ना, तो उसके पता नहीं चलने दिया ना, खाली भूत कह करके बात कर रही। तो अब जब आप संजू के घर पे गई, तो आपने क्या देखा? उसके फैमिली से आपने बात किया? आपने पूछा क्या तुम मेरी लड़की को कहाँ लेकर गए हो? उसके माँ बाप? उसके माँ बाप बोला से घर पर आए थे 11 बजे, 11:30 बजे हम आपके घर भेज दिए। वो बोला 11 बजे आपके घर भेज दिए, वो फिर 4 बजे लड़की उसके लड़का ले गए। हाँ, बोलते थे शादी करेंगे 2-3 साल के बाद, हम करेंगे उसी से शादी,
पता ही नहीं चला जो परमेंट है प्रेग्नेंट भी थी क्या? हाँ परमेंट भी उसके कर दिया, इसी तो मार दिया। 21 अक्टूबर को सलीम ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर सोनिया को रोहतक ले जाने का प्लान बनाया। वहां पहुंचते ही उस मासूम के भरोसे का कत्ल कर दिया गया। सलीम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की और उसकी लाश को जमीन में 4 फीट नीचे दफना दिया। जिस प्यार को सोनिया ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था, उसी प्यार ने उसकी सांसें छीन ली। अब इस मर्डर मिस्ट्री में सबसे हैरानी की बात यह है कि जब सोनिया के परिवार वाले पहली बार अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गए थे, तो पुलिस ने ये कहकर मामला रफा दफा कर दिया कि 22 साल की लड़की को कोई कुछ नहीं करेगा, दोनों मियां बीवी बनकर गए होंगे, आजकल के लड़के ऐसे ही कर रहे हैं। मगर बाद में जब पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने सलीम को पकड़कर उससे पूछताछ की, तब जाकर उस शिकारी ने अपने जुर्म का इकबाल किया। उसने बताया कि सोनिया की हत्या उसने कैसे और कहां की, और फिर पुलिस को लेकर रोहतक में उस ठिकाने पर गया जहां उसने सोनिया की लाश को 4 फीट नीचे दफनाया था। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने सलीम और उसके साथी पंकज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा साथी ऋतिक अब भी फरार है। दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि ऋतिक को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि इस केस की सारी परतें खुल सकें। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि सोनिया को सलीम की असली पहचान पता थी या नहीं, इसकी गहन जांच की जा रही है, और अगर इस मामले में कोई भी नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने न केवल सोनिया के परिवार बल्कि पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। एक निर्दोष लड़की जिसे अपने प्यार में धोखा मिला, वही धोखा उसे खौफनाक मौत तक ले गया। रिश्तों में धोखे की ये कहानी सोशल मीडिया की चमक के पीछे छुपी हकीकत को भी उजागर करती है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली दुनिया और असल जिंदगी में जो अंतर होता है, वो इस घटना में साफ झलकता है। रिश्तों में सही इंसान की पहचान करना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा दर्दनाक अंजाम भी देखने को मिल सकता है। रिश्तों में इमोशंस के साथ ही सच्चाई की भी अहमियत होनी चाहिए।